हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवमेंट इन ऑल। आप देख रहे हैं अचीवमेंट इन ऑल, मैं हूं आपके साथ नम्रता। और आज है जम्मक दियरी, हम लोग में जम दियर है या फिर जम दियरी या फिर मम्मी लोग जम्मक दियरी कहती है। और अभी मैं नहा कर आई हूं, आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। मैंने सोचा आज मैं ऑफिस वगैरह भेज के सारा काम निपटा के पूरा किचन क्लीन कर ही दूँ, तो यहाँ पर मैंने खाना पीना मेरा सब बन गया है, यहाँ खाना पीना सब बन गया है। किचन विचन पूरा गैस में साफ़ कर दिया है। ये आलू बॉयल करके मैंने शाम के लिए रख दिया है, कढ़ाई वगैरह सब मैंने निकाल कर रख दिया है जो मुझे शाम में ज़रूरत हो, क्योंकि सवेरे से ही खाना बनाने पर लग जाऊंगी तभी मैं दूसरा काम कर सकती हूँ। और ये पूजा का बर्तन धोकर रखा है, तो पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर मिलूंगी आप लोगों से। पूजा का घर मुझे डेकोरेट करना है, देखती हूँ कितना कर पाती हूँ। अभी तो मेरी बेटी सो ही है, उसको भी सुला दिया, बेटा भी होमवर्क कर रहा है, स्कूल बंद हो ही गया है। तो चलिए अब आप लोगों से आगे मिलते हैं। जो चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। सर धोया है तो थोड़ा नींद सी आ रही है, लेकिन अब मिलते हैं आप लोगों से आगे। यहाँ पर मैं आ गई हूँ पूजा घर के पास। आज बाल धोया था, लहसुन प्याज वगैरह खाती हूँ, मैंने सोचा आज पूरा डीप क्लीन करूँगी पूजा का घर। तो डियर, जो भी चैनल पर नया है चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो तो पसंद आना ही है। मैं बहुत ही नेचुरल चीज़ दिखाती हूँ। और जब मैं ये शूट कर रही थी तो मैंने कैमरा क्लीन नहीं किया था, तो थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है डियर, इसको इग्नोर करिएगा, मेरी मेहनत को देखिएगा। और मैंने इनको कहा एक बार के सारे भगवान का माला और चुन्नी वगैरह लाने के लिए, इन्होंने चार पाँच चुन्नी लाया है, लेकिन माला का जो तस्वीर का साइज है कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो ये उनसे संभव नहीं था। इसीलिए मैंने बोला आप छोड़ दीजिए, मैं किसी दिन जाऊंगी फिर तो ले आऊंगी, क्योंकि अब जेंट्स लोग ऑफिस से आते हैं, फिर आप औरत वाला काम दे दीजिएगा छोटा छोटा लाने के लिए, तो वो ऊब जाते हैं, मेरे साथ ऐसा ही होता है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक कपड़ा भिंगा कर पूरा रेक जो है अच्छे से पोंछ लिया है, और ये दो कागज़ खरीद कर लाया था चुन्नी प्रिंट वाला, इसको मैं कागज़ वाला टेप से अच्छे से इसको फिट करके चिपका दूँगी। और भी ज़्यादा मैं डेकोरेट करती, लेकिन यहाँ पे मेरा बेटा भी हेल्प कर रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं आप लोगों में से जो भी देख रहा है, जिनको छोटा बच्चा है या पहले दो चार साल पहले इतना छोटा बच्चा होगा, तो समझते हैं कितनी परेशानी का काम होता है। और दीपावली के दिन भी मैं भगवान से मनाती हूँ, यानी नेक्स्ट डे कि मेरा बच्चा इसी तरह सोए रहे, मैं बस नींद में ही जाके उसको फीडिंग करा देती हूँ। लेकिन जब से मैंने ये काम शुरू किया उसके बाद छोड़ छोड़ कर मैं तो आपको लगातार दिखा रही हूँ, लेकिन बीच बीच में उठकर फीडिंग कराना और फिर नहलाना, एक बार नहला कर सुला देती हूँ तो लंबा समय तक सोती है, फिर बेटा को बॉर्नविटा वगैरह देना, तो काम तो करना ही होता है, दूध गर्म करने के लिए चढ़ाना। और मैंने फ्रूट्स वगैरह सुबह ही खा लिया था, उसके बाद एक बार पूरा चिपका के अच्छे से सारा तस्वीर पोंछ लूँगी, फिर मैं चली जाऊँगी खाना खाने, उसके बाद मैं करूँगी। भगवान ये नहीं कहते हैं तुम भूखा प्यासा रह के अपना मेरे पीछे जान लगा दो, ऐसा कुछ नहीं है, आत्मा में ही परमात्मा बसा रहता है, तो आत्मा की संतुष्टि सबसे बड़ी संतुष्टि है। तो मैंने अच्छे से सब कुछ क्लीन कर लिया है, और ये पुराना वाला गणेश लक्ष्मी है यहाँ पर इनको रख दिया है, और सारा चीज़ मैं सारे तस्वीर को बिल्कुल अच्छे से धो लिया है, सर्फ़ पानी से धोया है, क्योंकि जब दिया वगैरह जलाते हैं तो थोड़ा थोड़ा हो जाता है, दाग आ जाता है, तो सबको मैंने बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लिया है। और नीचे वाला रेक भी साफ़ करूँगी, लक्ष्मी जी की तस्वीर को यहाँ पर रखूँगी, ये मैंने दिल्ली में बंधवाया था जब मेरा बेटा होने वाला था, तो जहाँ मैंने बांधने दिया था तो वो बोल रहे थे आप जल्दी लेके जाइए, इतना अच्छा तस्वीर जो है बहुत मुश्किल से मिलता है, लक्ष्मी जी के हाथ से पैसा गिरते हुए। और आगे मैं सब कुछ बताऊँगी, बहुत कुछ पंडित जी ने मुझे बताया है, जहाँ दुकान में पूजा का सामान लेने गई थी वहीं पर पंडित जी ने बहुत सलाह दिया है। तो इस तरह से मैंने पूरा इसको साफ़ किया, आप लोगों को तो बस कम दिखाया, लेकिन इसमें काफ़ी समय लगा। ये न्यू वाला पेपर मैंने इस पर बिछाया है, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल एक न्यू लुक आ गया। और ये तो मैंने बहुत पहले ही किया हुआ था, और सारे तस्वीर को साफ़ कर दिया है, और इधर बजरंगोली का रखा है। मैं ज़्यादा तस्वीर नहीं रखती हूँ, क्योंकि ज़्यादा तस्वीर इकट्ठा करने से नहीं होता है, पूजा भी रोज़ होना चाहिए, तो मैं दिन के हिसाब से मैंने सारे तस्वीर को रखा है। कुछ इसमें पुराना हो गया है जो कि चेंज करना पड़ेगा। और ये जैसे बजरंगोली की तस्वीर है, तो ये बहुत ही फलदायी मेरे लिए था, इसीलिए मैं ये तस्वीर हटाना नहीं चाहती हूँ, नहीं तो कहा जाता है उड़ते हुए बजरंगोली का तस्वीर होना चाहिए। और ये मैं ये शीशा का गणेश जी है देख रहा हूँ मैं, बोधगया में मैंने ख़रीदा था मैरिज एनिवर्सरी में जब गई थी, तो और ये पुराना गणेश लक्ष्मी यानी पिछले साल का है। और ये नीचे देखेंगे, नीचे मैंने सारा इधर बुक पोथी पुस्तक सब अरेंज किया हुआ है। और अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कल क्या क्या लिया, और इसको और भी प्रयास करूंगी अच्छे से डेकोरेट करने का,
इतना सा करने में भगवान ने आज फिर मेरी मदद की है और मेरी बेटी सोई हुई है 2-2.5 घंटे से, बस नींद में ही उसको जाके फीडिंग करा दिया और इतना मैंने कर लिया है। और यहाँ पर लक्ष्मी माता की तस्वीर को लगाया है, चुन्नी वगैरह नहीं लगाया है, खरीद के लाई हूँ, कुछ और भी लाना होगा तो चलिए अब दिखाती हूँ कल मैंने क्या क्या लिया। देखिए मैंने यहीं बैठकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोग जानकारी वाली चीज़ों को देखेंगे। और अच्छा जगह है भगवान के आगे बैठने से, कुछ देर अगर आप भगवान के पास समय लगाते हैं तो आपको आपके मन में शांति मिलती है। और अंदर पूरा मैंने बिल्कुल अच्छे से, जबकि ये कागज चिपकाया है फिर भी मैंने कपड़ा भिगाकर इसको सब जगह से अच्छे से पोंछ दिया है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। मेरे भगवान का स्थल अब नया वाला यहाँ पे लगाऊंगी। तो सबसे पहले जो मैंने खरीदा है ये देखिए, ये धनतेरस के दिन ही कहा जाता है कि आप गणेश लक्ष्मी को धनतेरस के दिन ही खरीद सकते हैं और लक्ष्मी जी को हमेशा गणेश जी के दाएं तरफ रख सकते हैं। जहाँ मैं पूजा का सामान खरीदने गई थी वहाँ पर एक पंडित जी बैठे हुए थे, वो बहुत सारी जानकारी दे रहे थे। तो पिछले बार की तरह ही सेम सेम है, थोड़ा ये गोल्डन में है, वो थोड़ा पिंकी कलर में, तो इनको तो मैं नहीं निकालूंगी। और आप लोग बताइएगा आप लोग पुराना गणेश जी क्या करते हैं, कैसे विसर्जित करते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर रैप करके रख देती हूँ। ये हो गया, ये जो लक्ष्मी गणेश का लक्ष्मी जी का चरण होता है मैंने पिछले साल खरीदा था, तो इस बार मैंने नहीं लिया। मैं इसी को साफ करके यहाँ पूजा करूँगी और महत्वपूर्ण होता है, कई लोगों को देखती हूँ लोग देख कर ही सीखता है। और जैसे कि अंगुली में भी पहना जाता है, कछुआ मैं भी पहनती हूँ। अभी मैंने खोल दिया है, ये कच्छप मैंने लिया है और पिछली बार तांबे का लिया था तो सर टूट गया था, इस बार मैंने बहुत ही ज़्यादा मजबूत और बढ़िया और बड़ा लिया है, लेकिन बिना प्लेट का लिया है। अगर आप कछुआ रखते हैं तो बिना प्लेट का रखिए, प्लेट में नहीं रखना चाहिए कछुआ। और क्यों नहीं रखना चाहिए अगर आप लोग पूछिएगा तो मैं अगले वीडियो में बता दूँगी। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर रखती हूँ। इतना अच्छा अच्छा मैंने चीज़ लिया है, ये मुझे सोना का लेने बोल रहे थे लेकिन मैं वहाँ नहीं जा पाई, सोनार के दुकान में भीड़ था। और ये देखिए ये घंटी लिया है, इतना सुंदर आवाज़ है, इतना भारी है। और इसके पहले ये मेरे पास छोटा ऐसा था, लेकिन इस बार मैंने बहुत बड़ा लिया। मैं बहुत दिन से सोच रही थी लेने का, इस बार लिया, ये 250 का आया है। तो पूजा का सामान तो लेना ही लेना चाहिए, तो ये घंटी लिया है। और इतने भी अच्छा सामान, सबसे अच्छा सामान मैंने लिया है ये शंख मुझे 390 रुपये का मिला है। इसमें आवाज़ बहुत अच्छा है और मुझे बजाना भी आता है, और सुबह शाम शंख बजना चाहिए जिससे घर से दरिद्रता दूर होती है। दरिद्रता तो भागती ही है, घर में शांति बनी रहती है, दूर दूर तक रोग कष्ट नहीं आता, ऐसा कहा जाता है। वैसे जीवन है तो रोग वगैरह तो चलते रहता है ये सब चीज़, लेकिन जो कहा जाता है वह होना चाहिए। और ये वाइट जो है ये शांति का प्रतीक होता है, तो इसीलिए शंख घर में होना चाहिए। ये शाखा जिससे बनता है उसी से ये शंख बनता है। तो ये चीज़ लिया है, जो दो महत्वपूर्ण चीज़ था। और एक ये कच्छप ले लिया है धनतेरस में। झाड़ू तो लेना ही चाहिए, नमक तो लेना ही चाहिए। मैं जिस तरह शाम में ला कर सारा चीज़ रखी हूँ उसी तरह इधर रखा हुआ, उधर झाड़ू रखा है। और ये बताता ले लिया है, जनेऊ ले लिया है, जो पूजा का सामान है। ये पूजा की रौली है, ये हल्दी का गांठ है, ये सब चीज़ पूजा में लगता है। साइड में अभी से ही सारा चीज़ रख लेती हूँ ताकि इधर उधर मैं परेशान ना हो जाऊँ। और लोग कहते हैं ये सब चीज़ धनतेरस के दिन खरीदना चाहिए, अगर आप लोगों ने खरीदा है तो अच्छी बात है, नहीं खरीदा है जिन लोगों ने तो वो अगले साल से ध्यान रखिएगा। ये जो होता है इसको कौड़ी कहते हैं, ये कौड़ी आपको खरीदना है। एक ये गोल वाला इस तरह का होता है, चक्री टाइप का, 5-5 या 7-7 आप खरीद सकते हैं। तो ये देखिए ये तो खरीदना चाहिए धनतेरस के दिन। तो ये पांच ये लिया है। तो इसको पूजा करके ये हल्दी, जैसे लक्ष्मी जी हल्दी से खुश होती हैं, हल्दी उनका मतलब खुश होती हैं उससे, और उनको हल्दी चढ़ता है। और पंडित जी भी बहुत कुछ बता रहे थे, अगर आप रंगोली भगवान के आगे में बनाते हैं तो गेहूं के आटा और हल्दी का प्रयोग करें, वो कलर वाले का प्रयोग करने उन्होंने नहीं कहा है, मैंने लिया भी नहीं है। और कलर वाले का वो कहे हैं दरवाजे वगैरह पे आप लगा सकते हैं, बना सकते हैं रंगोली भगवान के आगे, हल्दी और आटा का बनाइए। तो मैंने इस बार इसलिए भी नहीं लिया कि मैं बाबू को संभाल कर नहीं बना पाऊँगी, तुलसी भगवान भी मैं कलर नहीं कर पाई, तो मैं रंगोली का तो भी मैंने सोचा ही नहीं है। और इस बार चूँकि मेरी शादी इस बार करने से 1 साल नहीं हुआ है तो मैं ज़्यादा हम लोग धूमधाम से नहीं करेंगे, लेकिन ये सब ज़रूरी था। अगर इतना भी आप घर में नहीं करिएगा तो
फिर मन नहीं लगेगा तो ये लिया है महत्वपूर्ण चीज। और चुन्नी वगैरह कुछ चुन्नी अभी ज़्यादा मैंने नहीं लिया है, बस दो चार चुन्नी लिया है। और वही जो कौड़ी सब दिखाया, कौड़ी हल्दी का जो गांठ दिखाया है, सब का पूजा आता है। पूजा करने के बाद आप किसी चीज़ में बंद करके गोदरेज वगैरह में रख दीजिए। तो ये एक थैली भी उसी दुकान में मिल रहा था, एक थैली भी ले लिया और दो चार चुन्नी खरीदा है, ज़्यादा नहीं खरीदा है अभी, अभी और चुन्नी की आवश्यकता है। माला भी नहीं लिया है। और ये जो धूप मैंने कल दिखाया था, ये धूप है बहुत ही अच्छा है। और सबको देख रही थी सालू कपड़ा लेते, तो मैंने भी ले लिया, लेकिन फिर मुझे लगा जो लोग दुकान में पूजा करते हैं नारियल में सालू कपड़ा रख के, उनके लिए ज़रूरी होता है। लेकिन मैं कल पूजा करूँगी तो ये बिछा दूँगी कपड़ा, उन पर कुछ देर के लिए भगवान जी को रखूँगी। वैसे भी जो ये कागज़ बिछाया है, इस पर भगवान जी को नहीं रखा जाता है जैसा कि मैं जानती हूँ। तो फिर कागज़ उस पर, लेकिन साफ़ सफाई के लिए अगर अगरबत्ती वगैरह गिर जाए तो ये जल जाएगा, फिर ख़राब लगने लगेगा। अभी इतना अच्छा लग रहा है। तो इतना सारा चीज़ मैंने लिया था, छोटा बड़ा और बहुत सारा। और जो ये वाला दिया लिया था, ये वाला एक सुंदर सा दिया, ये जो होता है डिजाइन वाला, कलर वाला नहीं लिया है। और ये मिट्टी के कुछ दिए लिए हैं, आपको इसे ही दिखा देती हूँ। ये इतना सारा मिट्टी का दिया लिया है मैंने, 25 फीस दिया लिया है मिट्टी का। ये देखिए, तो अब सब दिया को मैं पानी में अभी भिगोने डाल दूँगी, धीरे धीरे मैं करते ही जाऊँगी क्योंकि परेशानी मेरे साथ फिर हो जाएगी। तो इतना सामान मैंने, सबसे ज़्यादा मैं खुश हूँ ये पूजा का जो मैंने सामान लिया है, ये शंख, घड़ी घंट बोलती हूँ, घंटी, कच्छप, इन सब चीज़ों को। और ये थाली वगैरह तो मैंने धो लिया है, लेकिन चकाचक अभी नहीं हुआ है। और थोड़ा सा हाथ में मुझे चोट है, इसीलिए मैं ज़्यादा बर्तन धोने पर जोर नहीं दे रही हूँ, क्योंकि ये चोट जो है बढ़ सकता है। ये देखने में इस तरह से लगा हुआ है, जल भी गया है, वो भी काम करते करते और भी घायल हो गया है। तो यहाँ पर मैं शंख को, घंटी को, कच्छप को इसी में रखती हूँ फिलहाल, ताकि मुझे परेशानी ना उठाना पड़े। और ये एक दीपक को जो कल ज़रूरत होगा। और यहाँ पर मैं भी रखती हूँ इन सारी चीज़ों को। और ये लक्ष्मी जी का चरण है। और इतना चीज़ मैंने लिया है, और भी छोटा बड़ा बहुत सामान लिया है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कर बताइएगा, मैंने जितना भी पूजा का सामान दिखाया आप लोगों को कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं। और बाकी सोच रही हूँ और भी इसको सजाने का, तो देखती हूँ क्या कर पाती हूँ। कुछ भी नया करूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ, चैनल पर जो नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपना कमेंट ज़रूर शेयर करिएगा। और ये देखिए, ये मेरे मायके में छूट गया था तो मैं इस बार लेकर आई हूँ। मम्मी बोली तुम्हारा यहाँ रह गया था जब मैं फरवरी में गई थी, तो अभी लेकर आई हूँ मैं। ये देखिए, चलिए डियर, बाय 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 बाय, लव यू ऑल। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आप लोग भी इसी तरह अपने पूजा के घर को चमकाए होंगे। जिनका और भी अच्छा व्यवस्था होगा उनका और भी अच्छा लगता होगा। मेरे पास चूँकि यही व्यवस्था है, और चूँकि ये बना हुआ है देख है, तो मंदिर खरीदना स्पेस जो है चाहिए, नहीं तो पूरा घर भरा भरा लगेगा। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले ब्लॉग में। बने रहिएगा इस चैनल के साथ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय डियर, बाय बाय, लव यू ऑल।